हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक छोटी सी जानकारी। जो इलेक्ट्रिशियन है उनके लिए भी ये वीडियो काफी अच्छी है, जो इलेक्ट्रिकल का काम नहीं करते हो उन्हें भी ये जानकारी काफी रहनी चाहिए। मान लो कि ये हमारा फैन है, इसे हम कैसे चलाएंगे, कौन सा बटन यूज करेंगे तो ये फैन हमारा चलेगा। तो ये फैन को चलाने के लिए तुरंत कोई भी इलेक्ट्रिशियन बोल देगा कि ये 10 एम्पीयर के स्विच पे हमारा ये फैन चल जाएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा करते हैं और हम जानते हैं इस 10 एम्पीयर के स्विच पे हम कितने फैन चला सकते हैं, 2, 4, 6 कैसे कैलकुलेट करें। दोनों तरीका से आपको बताऊंगा, एक फॉर्मूला के तरीका से बताऊंगा कि मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट जितना आना चाहिए उतना ही चलना चाहिए उस तरह से कैसे निकालना है, और एक लमसम एक अप्रोक्स में किस तरह से निकालना है वो आपको बताऊंगा। तो पहले हम जानेंगे कि अप्रोक्स में हम कैसे निकालेंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हम कैलकुलेट करके इस 10 एम्पीयर के स्विच पे कितना फैन चलाना है, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मालूम पड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। स्विच हमारा 10 एम्पीयर का, फैन हमारा लगभग 65 से 70 वाट की फैन रहती है। अब तो उससे भी कम की फैन आती है वाटेज में, लेकिन हम अप्रोक्स 70 वाट पकड़ के चलते हैं। कैसे जानेंगे कि इस 10 एम्पीयर के स्विच पे हमारा कितना फैन निकलेगा? सिंपल वे में हमें क्या करना है, पंखा का वाट हमें मालूम पड़ गया 65 से 70, तो हम एक वाट पकड़ के चलते हैं, 70 वाट पकड़ के चलते हैं। वोल्टेज हमें कंसिडर करना है, वोल्टेज 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। तो हम एक वोल्टेज कंसीडर करते हैं 200। अब हमें क्या करना है, जो हमारा वाट है फैन का 70 वाट, उसे हमें वोल्टेज से भाग दे देना है और हमारा निकल जाएगा वो एम्पेयर, अप्रोक्स एम्पेयर निकल जाएगा। मान लीजिए हमारा अप्रोक्स 70 का फैन है, वोल्टेज हम 200 पकड़ के चलते हैं, तो 70 को जब हम 200 से भाग देंगे तो हमारा जो एम्पेयर निकल जाएगा 0.35 एक फैन का एम्पेयर हो गया। अब एक फैन का एम्पेयर 0.35 है, तो हम 10 फैन का पकड़ते हैं तो 0.35 इंटू 10 कर दिया हमने, तो ये निकल गया हमारा 3.5। मतलब जो 10 फैन अगर चलेगी 200 वोल्टेज के ऊपर तो वो 3.5 एम्पीयर ही करंट लेगी। स्विच हमारा है 10 एम्पीयर का, चलो भाई उस पर अब 20 फैन कर देते हैं। तो 20 फैन करने के बाद आप देख सकते हो 0.35 इंटू 20, तो हमारा जो निकल के आ रहा है 7 एम्पीयर। तो 10 एम्पीयर का स्विच है, हम उस पर 7 एम्पीयर लोड देंगे, क्योंकि जितना कट टू कट लोड हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, जितने भी एम्पीयर के स्विच है उससे कम की लोड अगर उस पर हम डालेंगे तो स्विच काफी लॉन्ग टाइम चलेगी। तो आशा करता हूं अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट कर देना, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि अगर आपको वाट मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो आप एम्पीयर तुरंत कैलकुलेट कर लोगे कि वो कितना एम्पीयर होगा। बात करते हैं फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला एम्पीयर निकालने का वही है, जो भी हमारा वाट रहेगा उसे हम भाग देंगे वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मान हम 0.8 पकड़ के चलते हैं, तो जो भी वाट रहेगा पहले वोल्टेज को पावर फैक्टर से हम गुना कर देंगे और उसके बाद जो भी वाट रहेगा उससे हम भाग देने के बाद हमारा वो एम्पीयर निकल जाएगा। पावर फैक्टर क्या है, डिटेल में अगर वीडियो देखना तो आप हमारी ये वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि पावर फैक्टर को एड करने के बाद हम किस तरह से एम्पीयर निकालेंगे, पावर फैक्टर है क्या, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो काफी अच्छी है, प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। हमारे इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू।